मध्य प्रदेश के अभयारण्य, ये आज अपना दूसरा लेक्चर है मध्य प्रदेश के अभयारण्य से रिलेटेड। मैंने इसके संबंध में आपको बताया था कि अभयारण्य वह संरक्षित भाग होता है, वह संरक्षित वन भाग होता है जहाँ पर कुछ जीव जंतुओं को, विशेष प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के अभयारण्य में आपका मैंने बताया था कुल 32 प्रकार के अभयारण्य मध्य प्रदेश में, टोटल 32 अभयारण्य मध्य प्रदेश में, 32 सेंचुरीज मध्य प्रदेश में हैं। उनमें से कुछ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य मैंने आपको बताया था जो कि नौया देही अभयारण्य सागर जिले में पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपका और भी कई सारे अभयारण्य के नाम बताए थे। मैंने कूनो अभयारण्य के बारे में बताया था जो कि आपका श्योपुर जिले में है और जिसको हाल ही में राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है कूनो अभयारण्य को। तो इस तरीके से हमने कई सारे अभयारण्य के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में जो बच गए हैं मैं उन अभयारण्य को आपको बताऊंगा और इसके अलावा कुछ और फैक्ट बताऊंगा और ये टॉपिक आज अपना खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अभयारण्य और आपका जो नेशनल पार्क वगैरह है ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसमें मैं मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था, फसल कौन कौन सी है, किस फसल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये सारी जानकारी जो है हम कल के लेक्चर में लेंगे, तो वो आपका लेक्चर चलेगा। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के अभयारण्य, जिसने भी इसका पहली क्लास नहीं ली है वो मेरे से इसकी वीडियो मांग लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है मेरे पास में इसके प्रीवियस लेक्चर की, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ये एक मैप है आपका जो कि मध्य प्रदेश में अभयारण्य को दर्शाता है। इस मैप में आपके कई प्रकार के अभयारण्य बताए गए हैं, जैसे पशु पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, जल अभयारण्य है, टाइगर प्रोजेक्ट है, गौ अभयारण्य है और प्रस्तावित अभयारण्य है। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप के सेंचुरीज मध्य प्रदेश में है। पशु पक्षी अभयारण्य कौन से होते हैं, जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के पशुओं या पक्षियों के संरक्षण के लिए जिसको बनाया गया हो वो पशु पक्षी अभयारण्य कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था शिवपुरी का जो कायाया अभयारण्य है, ग्वालियर का घाटीगांव अभयारण्य है, सौनचरिया के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ विशेष जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जिन अभयारण्य को बनाया जाता है वो पशु पक्षी अभयारण्य कहलाते हैं। किसी नदी, बांध, तालाब आदि पर बने अभयारण्य जल अभयारण्य कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में 3 जल अभयारण्य है जो कि मुरैना में है आपका, एक छतरपुर पन्ना की सीमा पर है कैन अभयारण्य और एक शहडोल सीधी की सीमा पर है आपका सोन घड़ियाल अभयारण्य। तो ये 3 अभयारण्य आपका जल अभयारण्य है, इनमें घड़ियालों और मगरमच्छों का संरक्षण होता है। मुरैना का अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है, मैंने कल बताया था, जहाँ पर डॉल्फिन मछली का संरक्षण होता है। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही अभयारण्य है जहाँ पर डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जाता है, मुरैना जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है। छतरपुर वाला कैन नदी पर बना हुआ है और सोन घड़ियाल अभयारण्य आपका नाम से ही पता चल रहा है, सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, शहडोल सीडी की सीमा पर। इसके बाद अगर अपन टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, तो मैंने जब आपको नेशनल पार्क पढ़ाया था मैं इससे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कई सारे टाइगर प्रोजेक्ट हैं जिनको जो कि नेशनल पार्क में आपके स्थापित किए गए हैं या कई सारे नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सो टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अभयारण्य में केवल एक ही है, यानी केवल एक अभयारण्य ऐसा है मध्य प्रदेश में जिसमें जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और वो है आपका रायसेन जिले का रातापानी अभयारण्य। अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसको, रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में है। ठीक है, और इसको ये मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका। ठीक है, गौ अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में केवल एक ही है जो कि आगर मालवा जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको भी अपन अभी पढ़ेंगे। तो कई प्रकार के अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो इस मैप का, है ना, इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न अभयारण्य को दर्शाया गया है। अभी हम इसको आगे एक एक करके पढ़ते हैं,
जो भी बच गए हैं, जो अभ्यायन कल के बाद के जो अभ्यायन बच गए हैं, सैटरडे की क्लास के बाद जो बच गए हैं, उन अभ्यायन को मैं यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सो रातापानी अभ्यायन ही आया है आपका सबसे पहले नंबर पर, है ना, जो मैंने बता दिए थे उसके बाद में आपका रातापानी अभ्यारण्य। सो वर्ष 1976 में इस अभ्यारण्य की स्थापना सीहोर रायसेन सीमा पर की गई थी, यानी दो जिलों की अंदर फैला हुआ ये अभ्यारण्य है, दो जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 825.36 वर्ग किलोमीटर का है, यानी क्षेत्रफल कितना है इसका, 825.36 वर्ग किलोमीटर है। 1976 में स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है आपका, सीहोर रायसेन दो जिलों के अंतर्गत है, मुख्य रूप से रायसेन में माना जाता है ये रातापानी अभयारण्य। ठीक है, रातापानी अभयारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है ना, ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। और ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए, मैंने जब आपको नदियां बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमारा गांव से हुआ है। तो जो बेतवा नदी है आपका, वो रायसेन जिले के कुमारा गांव से उसका उद्गम हुआ है, और वो रातापानी अभयारण्य से प्रवाहित होती है। इसमें शेर, तेंदुआ, सांभर आदि जीव जंतु जो है इस अभयारण्य में पाए जाते हैं, रायसेन के रातापानी अभयारण्य में। ठीक है, और कुछ फैक्ट देखते हैं अपन इसके। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसे वर्ष 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है इसके संबंध में। एकमात्र अभयारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, वैसे जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट है वो सब नेशनल पार्क हैं, अभयारण्य में आपका केवल एक ही है, सेंचुरी में केवल एक ही है, और वो है रातापानी अभयारण्य। अगला जो अभयारण्य है आपका वो संजय गांधी डुगरी अभयारण्य है। मैंने आपको एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी पढ़ाया था जो कि सीधी जिले में है, और ये संजय गांधी डुगरी अभयारण्य भी सीधी जिले में ही स्थित है। वर्ष 1975 में स्थापित यह अभयारण्य सीधी जिले के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल 364 वर्ग किलोमीटर का है। संजय गांधी डुगरी अभयारण्य 364 किलोमीटर का इसका जो है कुल क्षेत्रफल है। इस अभयारण्य में शेर, तेंदुआ, सांवर, चीतल, चिंकारा आदि जीव जंतु आते हैं। ठीक है, ये सारे जो है आपका इस अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने दो अभयारण्य के नाम आपको बताए, रातापानी अभयारण्य और संजय गांधी डुगरी अभयारण्य। वैसे इसका नाम डुगरी अभयारण्य है, क्योंकि ये संजय गांधी नेशनल पार्क से लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम संजय गांधी डुगरी अभयारण्य एक साथ बोला जाता है इसको, है ना। तो संजय गांधी डुगरी अभयारण्य और रातापानी अभयारण्य, ये दो अभयारण्य जो है आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, और इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका रातापानी अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है जिसको 2014 में शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में, मतलब एकमात्र अभयारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, सो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि इसमें किसी का क्वेश्चन हो कोई तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो। इसमें सोन घड़ियाल अभयारण्य, इसके संबंध में अभी मैं चर्चा कर ही रहा था आपसे। सोन घड़ियाल अभयारण्य ये मैंने बताया था शहडोल सीधी की सीमा पर सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है आपका, शहडोल सीधी की सीमा पर 1981 में गठित किया गया था इसको। यह तीन जिलों सतना, सीधी तथा शहडोल में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल 83 वर्ग किलोमीटर का है। किसका, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का। अच्छा, ये सोन नदी पर बना हुआ जल अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोन नदी पर बना हुआ जल अभ्यारण्य है ये सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में घड़ियाल, मगर, कछुओं का संरक्षण किया जाता है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में यानी किस किस का, घड़ियालों का, मगर का, कछुओं का संरक्षण होता है इस अभ्यारण्य में। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे कछुए की सबसे प्राचीन प्रजाति पाई जाती है, यानी इस अभयारण्य में कछुओं की सबसे प्राचीन प्रजाति पाई जाती है सोन घड़ियाल अभयारण्य में। अगला आपका
अभयारण्य आपका सरदारपुर अभयारण्य, ये इम्पोर्टेंट है आपका सरदारपुर अभयारण्य, धार जिले में स्थित है, 1983 में बना था आपका ये, धार जिले में स्थित है। और इस अभयारण्य का गठन खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए किया गया है। ये पक्षी का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार पशु पक्षी का नाम लेकर के भी पूछ लिया जाता है कि इनके संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य बना हुआ है। तो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए दो अभयारण्य बने हुए हैं, उनमें से एक है आपका सरदारपुर अभयारण्य जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है, और एक आपका रतलाम जिले में आता है अभयारण्य। ये दो अभयारण्य आपका खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ये खरमोर पक्षी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शाह बुलबुल और सुल्ताना बुलबुल भी पाई जाती हैं। यानी शाह बुलबुल तो आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, और सुल्ताना बुलबुल ये भी आपका इस अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। इसका क्षेत्रफल 348.12 वर्ग किलोमीटर का है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, 348.12 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है सोन घड़ियाल अभयारण्य और सरदारपुर अभयारण्य के अंतर्गत आने वाला, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक सिरपुर तालाब आता है आपका, इस अभयारण्य के अंतर्गत आता है सिरपुर तालाब। मैं नाम लिख देता हूं, सिरपुर तालाब, ठीक है। और इस तालाब को पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे पक्षी आते हैं आपके से पुर तालाब, सिरपुर तालाब, इसको क्या घोषित कर दिया गया है, पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है। कब किया गया है, 2012 में, 2012 में, 2012 में इसको जो है पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है सिरपुर तालाब को, ठीक है। तो ये भी एक इंपोर्टेंट तथ्य है। ये कहाँ पे आता है आपका, सरदारपुर अभयारण्य में आता है सिरपुर तालाब, ठीक है। धार इंदौर की सीमा पर स्थित है और इसको पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है 2012 में। तो ये इसमें आप नोट कर लेना। अगला है सैलाना अभयारण्य। अभी मैंने आपको सरदारपुर अभयारण्य बताया जो कि धार जिले में स्थित है, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार से सैलाना अभयारण्य भी आपका खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और रतलाम जिले के अंतर्गत आता है ये आपका, ठीक है। इसे वर्ष 1983 में रतलाम जिले में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रफल है आपका 965 वर्ग किलोमीटर का। इसका कुल क्षेत्रफल है 965 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर दूधराज और खरमोर पक्षी पाए जाते हैं, यानी दूधराज का और खरमोर पक्षी का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। किसमें, सैलाना अभयारण्य, सोलाना या सैलाना अभयारण्य के नाम से है रतलाम जिले में, ठीक है। तो ये दोनों अभयारण्य खरमोर पक्षी के लिए है। और सौंचरैया पक्षी के लिए कौन से हैं, वो अपने शिवपुरी और ग्वालियर जिले में जो अभयारण्य है वो सौंचरैया पक्षी के लिए है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका सिंदौरी अभयारण्य। सिंदौरी अभयारण्य आपका कहाँ पे पड़ता है, रायसेन जिले के अब्दुल्ला गंज में, ठीक है। ये याद रखना है, वर्ष 1976 में इस अभयारण्य की स्थापना रायसेन जिले के अब्दुल्ला गंज में की गई थी। रायसेन जिले के अब्दुल्ला गंज में ये स्थित है आपका। तो रायसेन जिले में दो अभयारण्य हो गए, एक कौन सा हो गया, रातापानी, और एक हो गया आपका सिंदौरी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 287 वर्ग किलोमीटर का है, 287 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल है। इस अभयारण्य के अंतर्गत बरना बांध आता है, कौन सा बांध आता है आपका, बरना बांध, ये याद रखना है आपको। सिंदौरी अभयारण्य के अंतर्गत बायना बांध आता है। इसमें शेर, तेंदुआ, चीतल, सांवर, चिंकारा, नीलगाय, ठीक है, ये आगे आदि कई तरह के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं सिंदौरी अभयारण्य में। और ये एक अच्छा दर्शनीय स्थल भी है क्योंकि पर्यटन स्थल है, यहाँ पे कई सारे लोग वहाँ घूमने करने आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पूरा बांध आता है, बायना बांध करके आता है। इसके अलावा भी यहाँ पे कई प्रागैतिहासिक महल आते हैं आपका, एक प्रागैतिहासिक महत्व के कई स्थान हैं, जैसे मृगनाथ की गुफा है, जामबंती गुफा है,
चौकीगढ़ का किला है, ये इसमें आपके आते हैं, है ना। तो ये किसमें, सिंधौली सिंधौली अभयारण्य में आते हैं। नाम लिख देता हूं मैं, कौन कौन से आते हैं। मृगनाथ की गुफा, मृगनाथ की गुफा, ठीक है, मृगनाथ गुफा है, जामवंती गुफा है, जामवंती गुफा, मेघनाथ गुफा, जामवंती गुफा। जामवंती का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कौन है जामवंती गुफा, ठीक है। और एक आपका चौकीगढ़ का किला, ये भी यहीं पड़ता है, जामवंती गुफा। ये सब कहाँ पड़ते हैं आपके, सिंधौली अभयारण्य में पड़ते हैं, जामवंती गुफा और चौकीगढ़ का किला। चौकीगढ़ का किला भी आपका यहीं पड़ता है। सो ये सब सिंधौली अभयारण्य में पर्यटन स्थल हैं। और एक बायना बांध, तो ये यहाँ पर स्थित है, इसलिए ये एक अच्छा पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। केवल अभयारण्य, केवल ऐसा नहीं है कि केवल जीव जंतु मिलते हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। सो ये दो अभयारण्य मैंने आपको बताए, सैलाना अभयारण्य और सिंधौली अभयारण्य। यदि इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। यदि कुछ चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ लें इसमें, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर मैं अगली स्लाइड को बताऊं इसमें। अगले नंबर पर आता है राला मंडल अभयारण्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभयारण्य है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। आपका इसमें देखते हैं अपन इसके कुछ फैक्ट। यह अभयारण्य 1989 में इंदौर में स्थापित किया गया था, और इसका क्षेत्रफल 2.345 वर्ग किलोमीटर का है, 2.345 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। कौन सा? राला मंडल अभयारण्य। कहाँ पे स्थित है? इंदौर जिले में। 2017 में इसे देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र घोषित किया गया था। अब ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका, लोमड़ी संरक्षण केंद्र केवल एकमात्र है और देश का पहला है, इसलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका। देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र इसको घोषित किया गया था, कब? 2017 में। इस अभयारण्य में मुख्यतः शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। किसमें? आपका राला मंडल में, है ना। कौन कौन से? शेर, तेंदुआ, चीतल, सांवर, गौर, भालू, चिंकारा, ये सब आपके जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल अभयारण्य। अगले नंबर पर आता है ओरछा का अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य के नाम से है, ओरछा अभयारण्य, ठीक है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है ये, पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी में आता है। सभी को पता है नया जिला बन चुका है निवाड़ी, वहां पे ओरछा चला गया है, तो ओरछा अभयारण्य निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है और बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्या है आपका, ये निवाड़ी जिले में स्थित बेतवा नदी के तट पर है। कहाँ पे है आपका? बेतवा नदी के तट पर। ये तटों का, नदी का, सड़कों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, कौन सी सड़क निकल रही है, ये विशेष क्वेश्चन है, इनको पॉइंट है, आपको इनको ध्यान रखना। 45 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। किसका? ओरछा अभयारण्य का। और इसमें आपका जो है, इसे पक्षी अभयारण्य कहा जाता है, या पक्षियों के लिए इसको विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें पक्षियों के अलावा चीतल, नीलगाय और आपका जंगली सूअर, सांवर, चिंकारा, तेंदुआ, ये सब भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ओरछा अभयारण्य के अंदर, ठीक है। सो ये ओरछा अभयारण्य और राला मंडल अभयारण्य। राला मंडल आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया ही था, सागर जिले का नौयादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, और राला मंडल इंदौर जिले का आपका सबसे छोटा अभयारण्य है। इन दोनों को आपको ध्यान में विशेष रूप से रखना है, ठीक है। और आपका एक मैंने बताया रातापानी अभयारण्य, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
और कुछ फैक्ट देखते हैं अपन इसमें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपना माइक चालू करके पूछ भी सकते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। कुछ और अभयारण्य, नरसिंहगढ़ अभयारण्य, ठीक है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य आपका राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना 1974 में राजगढ़ जिले में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल जो है आपका वो 57.19 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है नरसिंहगढ़ अभयारण्य का। इसमें तेंदुआ, चीतल, सांवर, गौर, घुवर आदि जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इस अभयारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है। अब ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य आ गया आपका, कौन सी झील स्थित है, चिड़ी खो, है ना, ये नाम आप ध्यान में रखना, चिड़ी खो झील इसमें स्थित है आपकी। कई क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कौन सी झील स्थित है, इसमें चिड़ी खो, और यहाँ से पार्वती नदी जो है प्रवाहित हो रही है नरसिंहगढ़ अभयारण्य से, पार्वती नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चिड़ी खो झील और पार्वती नदी, ये दोनों आपको तथ्य याद रखना है, ठीक है। और ये जो राजगढ़ के राजा महाराजा थे, उनका जो है एक शिकारी क्षेत्र था, यहाँ पे शिकार करने आते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया कि घाटी गांव का जो क्षेत्र है, या मध्य प्रदेश का जो अपने शिवपुरी जिले का जो माधव नेशनल पार्क है, ये सिंधियाओं का शिकारगाह था, उसी तरीके से नरसिंहगढ़ अभयारण्य जो है राजगढ़ के महाराजाओं का शिकारगाह क्षेत्र था, यहाँ पे वो शिकार करने आते थे इस जगह पर, ठीक है। नाम मैंने बताया यहाँ पे पार्वती नदी, और एक और नदी है सोनार नदी, सोनार नदी, और लिख लेना यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, सोनार नदी यहाँ से निकलती है, प्रवाहित होती है इस क्षेत्र से, सोनार, ठीक है। ये दो नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं नरसिंहगढ़ अभयारण्य से, पार्वती और सोनार, और ये मुख्य रूप से आपका जो है आपका चिड़ी खो जो झील है उसके लिए काफी फेमस है ये अभयारण्य, नरसिंहगढ़ अभयारण्य। अगला है रानी दुर्गावती अभयारण्य, ठीक है, या इसको दुर्गावती अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, रानी दुर्गावती अभयारण्य। दुर्गावती कहाँ से है आपका, तो दमोह जिले से संबंधित है रानी दुर्गावती, तो ये भी आपका दमोह जिले में है, तो इसकी स्थापना 1997 में दमोह जिले में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल है 23.97 वर्ग किलोमीटर का, 23.97 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है रानी दुर्गावती अभयारण्य का, ठीक है। यहाँ पर सांवर, नीलगाय, तेंदुआ, चीतल आदि जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, रानी दुर्गावती अभयारण्य के अंतर्गत। कहाँ पे है आपका, दमोह जिले में है। जिलों का नाम आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, हर अभयारण्य कौन से जिले में है ये आपको याद रखना। नरसिंहगढ़ आपका राजगढ़ में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में गढ़गढ़ आ गया है, उसे आप एक अंदाजा लगा सकते हो, राजगढ़ और नरसिंहगढ़, तो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है ये। और रानी दुर्गावती वैसे ही पता, सबको पता जाता है, दलपत राय और दुर्गावती कहाँ के थे आपके, दमोह जिले के थे, तो ये दमोह जिले के अंतर्गत आता है रानी दुर्गावती अभयारण्य, ठीक है। तो ये आपको दो अभयारण्य और मैंने बताए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से पूछें, अदरवाइज फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। गंगऊ अभयारण्य है ना, पन्ना जिले के अंतर्गत आता है ये गंगऊ अभयारण्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पन्ना जिले के अंतर्गत गंगऊ अभयारण्य आता है, काफी फेमस है ये भी, है ना। यह अभयारण्य पन्ना जिले में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 78.536 वर्ग किलोमीटर का है, किसका, गंगऊ अभयारण्य का, है ना, 78.536 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है गंगऊ अभयारण्य का। ये जो अभयारण्य है आपका, इसमें जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पे एक विशेष जीव का नाम आया है जंगली भैंसों का, तो यहाँ पर एक विशेष जीव जंतु का नाम आता है, उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगऊ अभयारण्य में आपका भैंसों का संरक्षण होता है, अब नाम से ही पता चला है यहाँ पर गऊ है, गऊ यानी गाय, तो गाय का तो नहीं होता है, लेकिन भैंसों का जरूर होता है, यहाँ पर गंगऊ अभयारण्य में जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है, पन्ना जिले के अंतर्गत आता है ये आपका, इसको भी आपको याद रखना है।
है ना, अपन गाय का निबंध कहां पे लिखते हैं, पन्ने पर लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं, उससे आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। गऊ का निबंध कागज पर या पन्ने पर लिखा जाता है, तो इसलिए पन्ना जिले के अंतर्गत आता है गंगऊ अभ्यारण्य, और भैंसों का यहाँ पर संरक्षण, जंगली भैंसों का संरक्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर चीतल, सांवर, शेर, तेंदुआ ये भी सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 78.536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गंगऊ अभ्यारण्य है। अगला है आपका और बहुत महत्वपूर्ण है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ठीक है, ये अपनी तरह का मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का एकमात्र अभ्यारण्य है। क्यों? इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को आगर मालवा जिले के सुसनेर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी आपकी? आगर मालवा जिले के सुसनेर नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया था, और यह देश का तथा प्रदेश का पहला और विश्व का भी एकमात्र गौ अभयारण्य है, ये आप याद रखना है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 427.63 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है गौ अभयारण्य का, है ना। और यह विश्व का एकमात्र गौ अभयारण्य है, यहाँ पर गायों का संरक्षण किया जाता है। सो मैंने आपको कामधेनु अभयारण्य के संबंध में बताया, कामधेनु अभयारण्य जो है आपका आगर मालवा जिले के अंतर्गत है, गायों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है, गौ अभयारण्य के नाम से है। ठीक है, और ये ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और विश्व का भी एकमात्र अभयारण्य है जहाँ पे गायों का संरक्षण किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, 2012 में इसको स्थापित किया गया था, कामधेनु गौ अभयारण्य को। ठीक है, काली भीत अभयारण्य ये भी बहुत फेमस है, काले भालुओं के लिए फेमस है ये काली भीत अभयारण्य आपका, है ना। काली भीत अभयारण्य किसके लिए फेमस है? काले भालुओं के लिए। यहाँ यह अभयारण्य बैतूल जिले में काले भालुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, काली भीत अभयारण्य। यह अभयारण्य जो है आपका महाराष्ट्र के मेघराज अभयारण्य से जोड़कर, इस कालीवीत अभयारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभयारण्य से जोड़कर एक बाघ गलियारा बनाया गया है ना। टाइगर कॉरिडोर, बाघ गलियारा का मतलब क्या है? टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है किन दो अभयारण्य को जोड़कर के, मध्य प्रदेश के कालीवीत अभयारण्य और महाराष्ट्र के मेघराज अभयारण्य के मध्य में। अब ये बिल्कुल सीमा पे स्थित है, महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा। बैतूल जिला कहाँ पे है? बिल्कुल दक्षिणी जिला है आपका, तो यहाँ से महाराष्ट्र का मेघराज अभयारण्य दोनों की सीमा लगती है, उन दोनों के मध्य में एक बाघ गलियारा या टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें बाघ आराम से आ जा सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, कालीभीत अभयारण्य। बाकी ये किसके लिए फेमस है? काले भालुओं के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कालीभीत अभयारण्य भालुओं के लिए फेमस है, काले भालू तो इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे याद बना रहेगा, काले से कालीभीत अभयारण्य आपको याद हो जाएगा, है ना। अगला और आपका इसमें है मयूर अभयारण्य, है ना, ये अभी प्रस्तावित है, मयूर अभयारण्य। ये अभयारण्य झाबुआ जिले के मेघनगर में प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है आपका? झाबुआ जिले के मेघनगर में प्रस्तावित है मयूर अभयारण्य। यह अभयारण्य मोर संरक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी मोरों के संरक्षण के लिए इसको बनाया जा रहा है। कौन सा अभयारण्य आपका? मयूर अभयारण्य। तो ये दो अभयारण्य और मैंने आपको बताए, कालीभीत और मयूर, जिसमें मयूर अभयारण्य आपका प्रस्तावित है अभी मेघनगर झाबुआ में बनना है इसको मोरों के संरक्षण के लिए। इसके अलावा आपका, इन दो के अलावा कुछ और अभयारण्य जो कि प्रस्तावित हैं, जैसे अलीराजपुर जिले में कट्टीवाड़ा अभयारण्य अभी प्रस्तावित है आपका, नाम मैं लिख देता हूं, अलीराजपुर के अंतर कट्टीवाड़ा अभयारण्य। ठीक है, कट्टीवाड़ा अभयारण्य कहाँ पे प्रस्तावित है? अलीराजपुर जिले में। ठीक है, जिले का नाम लिख लेना, एक तरफ अभयारण्य और दूसरी तरफ आपका उसका जिले का नाम। तो ये आपका कट्टीवाड़ा अभयारण्य जो है आपका अलीराजपुर जिले में प्रस्तावित है। इसके बाद में आपका एक है मानधाता अभयारण्य,
तो मानधाता तो सबको पता है खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, तो वही है ये आपका मानधाता अभ्यारण्य, खंडवा जिले में प्रस्तावित है मानधाता अभ्यारण्य। आप अभ्यारण्य अपने आप से जोड़ लेना इसमें, मानधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में है। ठीक है, कहां पे है ये आपका खंडवा, और ऊपर वाला कहां पे है अलीराजपुर, मानधाता और कट्टीवाड़ा दो हो गए आपके। अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट है, एक और है आपका सुरमैनिया अभयारण्य, सुरमैनिया ये भी आप लिख लो इसमें, ये भी प्रस्तावित है सुरमैनिया अभयारण्य। सुरमैनिया अभयारण्य कहाँ पे प्रस्तावित है आपका, तो ये भी खंडवा जिले में ही प्रस्तावित है, खंडवा में दो प्रस्तावित हैं आपके, मानधाता और सुरमैनिया। ठीक है, अभी बने नहीं है, प्रस्तावित है ये आपके, सुरमैनिया अभयारण्य खंडवा जिले में प्रस्तावित है। और एक है आपका बसामन मामा गौ अभयारण्य, ठीक है, ये एक और गौ अभयारण्य। एक तो मैंने कामधेनु गौ अभयारण्य बताया है आपको, ये बसामन मामा गौ अभयारण्य है। ये मैंने जब आपका वन विभाग से संबंधित पुरस्कार बताए थे उसमें आपका बसामन मामा का नाम आया था, है ना, तो बसामन मामा है ना, ये अपने जो मुख्यमंत्री हैं मामा जी, उन्हीं की भाई बंधु हैं ये बसामन मामा गौ अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे प्रस्तावित है, तो बसामन मामा आपको ध्यान में रखना है रीवा जिले से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बसामन मामा कहाँ से संबंधित हैं, विंध्य प्रदेश या रीवा जिले से संबंधित हैं। और ये मध्य, अगर ये बन गया तो देश का दूसरा गौ अभ्यारण्य होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, गौ अभ्यारण्य ये देश का दूसरा गौ अभ्यारण्य होगा। अब वो मध्य, ये आपके अभ्यारण्य हो गए खत्म। अब मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड, इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके संबंध में जानकारी ले लेते हैं, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड क्या इसके संबंध में जानकारी है उसको देख लेते हैं अपन। तो वर्ष 2004, 17 दिसंबर 2004 को जैव विविधता कानून लाया गया, जिसके तहत 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं, है ना, फैक्ट है, इनको तो बस याद करना है आपको। 2004 में कानून आया था और जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था, 2005 में हुआ था, 11 अप्रैल 2005 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क नागौद और सतना जिले में स्थित है, ये अब आप याद रखना, देखो इसमें अंडरलाइन कर लेना, मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ कहाँ पे स्थित है आपके, नागौद में है और सतना जिले में है, दो जगह पे आपके जैव विविधता पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, नागौद और सतना जिले में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश में नागौद और सतना जिले में जैव विविधता पार्क स्थित है। जैव विविधता से कई सारी चीजें आपके मध्य प्रदेश में हैं आपका, और मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है आपका ये कहाँ पे है, इंदौर जिले में स्थित है। जैव विविधता पार्क कहाँ पे है आपका, नागौद में स्थित है सतना जिले में, और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थित है आपका, इंदौर जिले में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है आपका, इंदौर जिले में स्थित है ना, प्रौद्योगिकी इंदौर जिले में है। और जैव ऊर्जा पार्क ये कहाँ पे है आपका, रीवा जिले में स्थित है। जैव ऊर्जा पार्क आपका रीवा जिले में स्थित है। तो ये तीन पार्क के नाम मैंने बताए, जैव विविधता पार्क नागौद में है सतना जिले के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है आपका, इंदौर जिले में स्थित है, और जैव ऊर्जा पार्क कहाँ पे है आपका, तो रीवा जिले में स्थित है आपका। ठीक है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी आपका, यहाँ पे प्रौद्योगिकी शब्द आया है आपका, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्द है आपका, तो ये आपका इंदौर जिले में आएगा। ठीक है, तकनीकी से संबंधित है आपका, और आपका ऊर्जा पार्क आपका रीवा में है, और विविधता पार्क आपका जो है नागौद जिले, नागौद में स्थित है सतना जिले के अंतर्गत।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब मध्य प्रदेश में जैव विविधता केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये अभी मैंने पार्क बताए थे आपको, अब जैव विविधता केंद्र में आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर स्थित है। सो पचमढ़ी है आपका, ये अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में 3 मार्च 1999 को केंद्र सरकार द्वारा और 2009 को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है इसको, जैव विविधता संरक्षित केंद्र या जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, किसमें, पचमढ़ी को। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पन्ना में है आपका, छतरपुर पन्ना की सीमा पर 25 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र। और एक और है आपका अचानक मार, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अचानक मार का। अचानक मार कहाँ पे है आपका, तो मध्य प्रदेश जिले के अनूपपुर जिले में स्थित है ये आपका, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 30 मार्च 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है अचानक मार। ठीक है, अनूपपुर जिले में भी कहाँ पर, अमरकंटक में। ठीक है, अनूपपुर जिले में अमरकंटक वहां पर अचानक मार जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र स्थित है, जो कि 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया था। तो मैंने तीन नाम बताए आपको, तीन जैव विविधता पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, पचमढ़ी, पन्ना और अचानक मार। ठीक है, एक मैंने आपको याद हो अनहोनी बताया था आपको, जो कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है, तो इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, अचानक मार और अनहोनी में। अनहोनी छिंदवाड़ा में आता है और अचानक मार आपका कहाँ पे आता है, अनूपपुर में आता है। तो इसको आपको याद करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ना, ये आप कैसे भी याद करें क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम टाइम में, है ना। चाहे तो कोई आप इसकी एक ट्रिक बना लें कुछ भी, तो उससे याद हो जाता है ये आपका। नहीं याद हो किसी को तो मुझे बता देना, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं उसको। आगे देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश में दो जैव विविधता विरासत स्थल हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है तीनों, ये जैव विविधता विरासत स्थल है आपके। कहां पर है आपका, पातालकोट और नयो पहाड़। पातालकोट कहाँ पड़ता है आपका, छिंदवाड़ा में, और नयो पहाड़ कहाँ पड़ता है आपका, सतना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, पातालकोट छिंदवाड़ा में जैव विविधता विरासत स्थल और नयो पहाड़ सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये सब मैंने जैव विविधता बोर्ड से संबंधित चीजें बताई आपको। जैव विविधता पार्क मैंने बताए, तीन पार्क आपको बताए उसमें, जैव विविधता पार्क बताया आपका, एक मैंने आपको जैव प्रौद्योगिकी पार्क बताया और एक मैंने आपको जैव ऊर्जा पार्क बताया, तीन बताए मैंने आपको। ठीक है, जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, ये भी तीन है आपके, पचमढ़ी, पन्ना और अचानक मार। और जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं आपके, ये दो हैं, पातालकोट और नयो पहाड़, ये आपके दो जैव विविधता विरासत स्थल हैं। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब कुछ पर्यावरण संबंधी संस्थान के नाम देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ पर्यावरण संबंधी संस्थान कौन कौन से हैं, जैसे मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड यह एक स्वशासी संस्था है जिसका गठन 17 जुलाई 2005 को किया गया था। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय भोपाल में है, ये याद रखना, इसमें लिखा नहीं है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है। इसके अंतर्गत 99 मनोरंजन केंद्र आते हैं और 13 वन्य प्राणी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड के अंतर्गत। स्वशासी संस्था है ये आपकी, स्वशासी संस्था यानी ये स्वयं से अपना सारा काम धाम देखती है, स्वशासी संस्था है आपका और वन विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के वन विभाग के अंतर्गत आने वाली एक स्वशासी संस्था है जो कि 99 मनोरंजन केंद्र हैं इसके अलग अलग जगह पर, 13 वन्य प्राणी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, इसका मुख्यालय भोपाल जिले में स्थित है। अगला है आपका मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा क्या होती है आपकी, डिजास्टर यानी आपका किसी भी तरह की परेशानी आ जाना एकदम से आपदा कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं आपके, मैन मेड डिजास्टर होता है यानी मानव निर्मित आपदा, और आपका नेचुरल डिजास्टर होते हैं यानी प्राकृतिक आपदा।
तो प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है आपकी, जैसे कि बाढ़ आ जाना, भूकंप आना, ठीक है, तूफान आना, ये सब प्राकृतिक आपदाओं में आता है। मैनमेड डिजास्टर कौन से होते हैं, जैसे आग लग जाना, ये एक आपका मैनमेड डिजास्टर है। अगर आदमी की गलती से आग लगती है तो मैनमेड डिजास्टर है ना। तो ऐसे आपके कई तरह के डिजास्टर्स होते हैं, तो इनके प्रबंधन के लिए एक बकायदा प्राधिकरण का गठन किया गया है। 5 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आपदा प्रबंधन संस्थान मौजूद है। कौन सा? आपदा प्रबंधन संस्थान मौजूद है। इसको वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, ये त्रासदी लिखा है, त्या है आपका, ये यहाँ पे सही बन नहीं पाया है, भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात बनाया गया था। किसका? आपदा प्रबंधन संस्थान को। ठीक है, आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस त्रासदी जो है आपका 1984 में हुई थी, है ना, जिसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिससे उस समय काफी सारे लोग जो है खत्म हो गए थे इसकी वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से आपका। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी आपकी? 1954 में हुई थी। ठीक है, सो सर 1984 में। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी, इसको देखते हैं अपन। सो वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर जू स्थापित किया गया। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर जू स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी है, ये यानी मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी है। कब स्थापित की गई है? 2016 में। कहां पर? सतना जिले के मुकुंदपुर नामक स्थान पर। और इस टाइगर सफारी का नाम क्या है? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस टाइगर सफारी में वन विहार भोपाल से विंध्या नामक सफेद बाघिन को लाया गया था, पुनर्वासित किया गया था। बाघिन का नाम क्या था? विंध्या। और कहां से लाया गया था? वन विहार भोपाल से इसको पुनर्वासित किया गया था। ठीक है, सफेद टाइगर था ये आपका, सफेद बाघिन थी, जिसको कि वन विहार भोपाल से इस टाइगर सफारी में शिफ्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पे कानन पेड़ी, बिलासपुर और भिलाई आदि स्थानों से भी टाइगरों को पुनर्वासित किया गया है, यानी शिफ्ट किया गया है। इन इन जगहों से भी इस टाइगर सफाई में जो है आपके टाइगर लेकर के आए गए हैं। और यहाँ पर आपके जो है अभी वर्तमान समय में 3 सफेद शेर हैं। एक तो आपका मैंने बताया बिंध्या है, जो कि वन विहार भोपाल से आई है। इसके अलावा यहाँ पर गोपी है, और एक आपका एक और है सोनम। सोनम, गोपी और बिंध्या, ये 3 व्हाइट टाइगर यहाँ पर हैं इस टाइगर सफारी में, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र टाइगर सफारी है, जो जिसकी स्थापना 2016 में सतना जिले के मुकुंदपुर में की गई थी। और इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें सभी, और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।